छतरपुर शहर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम के शताब्दी ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे स्वर्गीय महेंद्र शर्मा स्मृति सरकार क्रिकेट कप का फाइनल मुकाबला उदय टस्कर्स क्रिकेट टीम ने जीत लिया है। टीम ने पेप्टिक पैंथर को 69 रनों से मुकाबला पराजित करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा लिया है। जानकारी के मुताबिक उदय टस्कर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 215 रन बनाए थे, जिसके जवाब में पेप्टिक पैंथर 146 रन ही बना सकी। मुकाबले के बाद सौरभ परमार को बेस्ट गेंदबाज, नौगांव के नीलेश को मैन ऑफ द सीरीज, प्रिंस परमार को बेस्ट गेंदबाज और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। आयोजक विक्की यादव ने बताया कि टूर्नामेंट के माध्यम से जिले भर के खिलाड़ियों को खेल का शानदार अवसर भी मिला है। पहले तो मैं कमेटी का धन्यवाद करूंगा जिसने अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और विक्की यादव जो सरकार ग्रुप के ओनर हैं उन्होंने काफी शानदार टूर्नामेंट कराया, और छतरपुर की जनता ने उदय टस्कर्स को काफी सपोर्ट किया और जीतने में अच्छा लगा। जी हाँ भाई, जब टीम जब एक होकर खेलती है तो ही जीतते हो। काफी अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छा प्रदर्शन दिया, 100 में 100 दिया हमारे लोगों ने। जैसा कि आज का फाइनल एक तरफा तो हुआ नहीं है, दोनों टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हम लोगों की टीम में 4 खिलाड़ियों ने थोड़ा सा निराशाजनक खेल खेला है, लेकिन फिर भी एक हद तक वहां तक पहुंचे हैं जहां तक हम लोगों को पहुंचना चाहिए था। उन लोगों ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, अच्छा स्कोर खड़ा किया है। हम लोगों ने थोड़े सा मिडल ऑर्डर हम लोगों का खराब हो गया, जिसकी वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। हाँ, अच्छा खेला है दोनों टीम। क्या कहेंगे आज के फाइनल मुकाबले को? आज बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ है जिसमें उदय टस्कर्स ने जीत दर्ज की है, और उदय टस्कर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए हुए थे और 69 रन से पेप्टिक पैंथर को हरा दिया है। कितना अच्छा आयोजन रहा, शानदार आयोजन रहा और दर्शकों ने खूब मजे लिए और बढ़िया आयोजन रहा। प्राइज जी विजेता को 51,000 ट्रॉफी और उप विजेता को 25,000 और मैन ऑफ द सीरीज टीवी वगैरह काफी गिफ्ट्स है। क्या कहेंगे उन लोगों को जिसने सहयोग किया है टूर्नामेंट में? दर्शक सभी को, मैं सभी दर्शकों को, सभी कमेटी मेंबरों को और सभी ग्राउंड स्टाफ को सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, सारी टीमों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ खेलने आए।